आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोषण के बारे में। बात करने जा रहे हैं हम लोग पोषण के बारे में, कैसे बैक्टीरिया अपना खाना खाता है, इस तरह की बात करने जा रहे हैं, या बैक्टीरिया में कैसे पोषण होता है। लेकिन पोषण से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कैसे बैक्टीरिया जो है ग्रोथ शो करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया डाइऑक्सिक ग्रोथ शो करता है। बेटा क्या होता है, पहले ये देखो, अगर हम एक ग्राफ बनाएं समय, ये समय है और यहां पर कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स तथा टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों होता ये है, शुरुआत में बैक्टीरिया, ध्यान दो, सपोज करो ये प्लेट है, इसमें कुछ खाना रखा हुआ है, ये पेट्री प्लेट है, पेट्री डिश जिसे बोलते हैं, ये क्या है, पेट्री डिश। पेट्री डिश बेटा एक कांच की प्लेट होती है, ध्यान देखो, पेट्री डिश कांच की प्लेट होती है जिसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर कांच का ही ढक्कन लगा रहता है, कांच का ही ढक्कन लगा रहता है, गोल गोल होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं पेट्री प्लेट। पेट्री प्लेट सुनाई दे रहा है सबको, दिखाई भी दे रहा है। Yes, sir. पेट्री डिश में क्या किया जाता है, कुछ भोजन, भोज्य पदार्थ जैसे अगार और तरह के मटेरियल को भर दिया जाता है, किसमें, पेट्री प्लेट में, और उसमें एक बैक्टीरिया की कोशिका को रख दिया जाता है, एक बैक्टीरिया कोशिका को रख दिया जाता है और देखा जाता है कैसे यह विभाजित करके बहुत सारी कोशिकाएं बना रही है, ठीक, यही इसी को लेकर चलते हैं। अब यहां देखो, एक बैक्टीरिया को रख दिया गया, एक बैक्टीरिया को रख दिया गया, दिखाई दे रहा है सबको, ये क्या चीज है, बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया को रख दिया गया है। देखा गया कि जब शुरुआत में कुछ समय तक कोई विभाजन नहीं हुआ, समय बीतता जा रहा था परंतु कोशिकाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, इसको बोला गया लैग फेज। लैग फेज, लैग फेज किसे कहेंगे, वह समय जिसमें कोशिकाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। यहां पर क्या हो रहा था, कोशिकाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, इसके बाद अचानक से कोशिकाओं में वृद्धि देखी जाने लगी। अचानक से क्या होने लगा, यहाँ पे कोशिकाओं में इस बैक्टीरिया ने भोजन को खाना शुरू कर दिया और अचानक से कोशिकाओं में वृद्धि देखी जाने लगी, अचानक से कोशिकाओं में वृद्धि देखी जानी लगी। इस फेज को कहते हैं जिसमें तेजी से ग्रोथ हो रहा है, इसे कहते हैं लॉग फेज, लॉग फेज या लॉगरिथमिक फेज, या पहला जो फेज था वो क्या था, लैग फेज। लैग फेज इसमें जितनी कोशिकाएं थीं उतनी की ही उतनी ही रही, इट मींस या तो कोशिकाएं जितनी पैदा हो रही हैं उतनी ही मर रही हैं। यहां पे दो संभावनाएं हो सकती हैं कि जितनी कोशिकाएं बन बैक्टीरिया की, जितनी कोशिकाएं उत्पन्न हो रही हैं उतनी ही मर रही हैं, अतः इसीलिए क्या हुआ, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, इस ग्राफ में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अचानक से क्या हुआ बच्चों कि इस बैक्टीरिया ने भोजन खाना शुरू कर दिया, जब भोजन खाया और ज्यादा बार डिवाइड करके नंबर ऑफ कोशिकाएं बढ़ने लगी, नंबर ऑफ कोशिकाएं बढ़ने लगी, इसको बोलते हैं जो दूसरा है लॉगरिथमिक फेज या लॉग फेज, लॉग फेज या लॉगरिथमिक फेज या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ
GROWTH ग्रोथ फेज, ये तीन है बेटा, आर आर करके लगा देना नाम इनके। क्या है ये, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स जो पैदा हो रही है वो ज्यादा है, जो मर रही है वो बहुत कम है, ठीक है, इसीलिए ग्रोथ तेजी से दिखाई दे रही है। उत्पन्न हो रही कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है, शरीर ग्राफ भी बना रहा है। अभी सिर्फ समझो बेटा, यस सर। फिर क्या हुआ, जब यहां पर पहुंच गए तो भोजन कम होने लगा। भाई जब आपके परिवार में ज्यादा लोग रहेंगे तो भोजन की क्वांटिटी कम होने लगेगी, भोजन की क्वांटिटी कम होने लगेगी। दो लोग हैं ठीक है, चार लोग हैं ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा लगेगा, ऐसा तो नहीं कि 200 लोगों को खाना खिलाया जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थिति में जाने के बाद बैक्टीरिया यहाँ पे जो पेट्री डिश में रखा गया था उसने सारा भोजन, उसके परिवार ने मिलकर सारा भोजन खा लिया। तो अब क्या होगा, भोजन कम मिलेगा तो बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएगा, फिर उसमें कोई नई ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। तो जैसा यहां चल रहा था फिर से वो यहां पर यही होने लगा, यहां से फिर से ऐसे होने लगा। इसको बोलेंगे स्टेशनरी फेज, STATIONARY, स्टेशनरी फेज। अब इसमें क्या हुआ, कोई नई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, कोई नई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। और कुछ समय के बाद बच्चों, तीसरा वाला लिख लेते हैं, तीसरा लिख लेते हैं स्टेशनरी फेज। इसमें क्या हुआ, लैक ऑफ फूड या फूड की कमी के कारण अब ग्रोथ जो है रुक चुकी है। भोजन तथा घर, भोजन तथा घर, तो इनके लिए घर क्या है, यही है। इतना ज्यादा ग्रोथ, इतने ज्यादा संख्या में कोशिकाएं बन गई हैं कि अब नए कोशिकाओं को बनने के लिए जगह भी नहीं है। जब जगह नहीं है, खाना नहीं है, तो नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी। यहां लिख देते हैं कि ज्यादा संख्या में कोशिकाओं के बनने से नहीं, इस अवस्था में, इस अवस्था में जीवाणु कोशिकाएं, नई जीवाणु कोशिकाएं, जीवाणु कोशिकाएं भोजन तथा स्थान की कमी के कारण नहीं बनती हैं, भोजन तथा स्थान की कमी के कारण नहीं बनती हैं। नहीं बनती हैं, भोजन तथा स्थान की कमी के कारण नहीं बनती हैं, भोजन तथा स्थान की कमी के कारण नहीं बनती हैं। बच्चों दिख रहा है ना सबको, यस सर। अब बच्चों इसके बाद से आएगा एक फेज, अब जब नई कोशिकाएं बनेंगी नहीं तो पुरानी वाली अपना जीवन काल समाप्त कर रही होंगी, पुरानी वाली कोशिकाएं अपना जीवन काल समाप्त करके मर जाएंगी धीरे धीरे। तो यहां से शुरू होगा डेथ फेज, यहां से शुरू हो जाएगा डेथ फेज, मतलब अब मौत होना शुरू हो जाएगी या मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, बहुत तेजी से डेथ फेज आ जाएगा। इस तरह के ग्रोथ को बेटा डाइऑक्सिक ग्रोथ कहते हैं, डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व। चौथा लिख लीजिएगा डेथ फेज, डेथ फेज, चौथा लिखिएगा डेथ फेज।
तो अब नई कोशिकाएं बहुत कम बनेंगी और मृत्यु ज्यादा होगी। इसमें क्या होगा कि नई जीवाणु कोशिकाएं बहुत कम बनेंगी तथा मृत्यु ज्यादा होगी। नई कोशिकाएं बहुत ही कम उत्पन्न होंगी, कम संख्या में, उत्पन्न होंगी होंगी परंतु ज्यादा संख्या में मरेंगी। मैंने क्या बताया बेटा, मैं बताता यह क्यों बताया गया है। पहली बात, देखा गया जब हम बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया का क्या करते हैं, कल्चर, जब लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में बच्चा उत्पन्न किया जाता है कुछ बैक्टीरिया को, तो पेट्री प्लेट में रखा जाता है, पेट्री प्लेट में रखा जाता है, एक मीडियम डाल दिया जाता है, इसके भोजन को कहते हैं मीडियम, इसके भोजन को कहते हैं मीडियम, जैसे हमारा भोजन को फूड कहा जाता है, इसके भोजन को, बैक्टीरिया का भोजन जो पेट्री प्लेट में रखा जाता है उसको कहते हैं मीडियम। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ये जो बैक्टीरिया का भोजन, बैक्टीरिया का जो भोजन है जो पेट्री प्लेट में रखा जाता है उसको क्या कहा जाएगा, मीडियम, इसे कहा जाएगा मीडियम, MEDIUM, मीडियम कहा जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको? अच्छा, मीडियम कहा जाएगा। जब एक सेल, पहले एक कोशिका को डाल के कुछ देर तक देखा जाता है, देखा जाता है कि शुरुआत के कुछ समय तक कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही, कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि ऐसा मान लिया जाता है कि शुरुआत के कुछ देर तक जितनी कोशिकाएं उत्पन्न हो रही हैं उतनी ही कोशिकाएं मर रही हैं, इसीलिए ग्राफ जो है ऊपर नहीं बढ़ रहा, इसीलिए ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैग फेज। जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, लैग फेज, LAG, लैग फेज। नहीं होता है, लैग होने लगता है, आवाज पहले आ जाए, लैग होता है, आवाज पहले आ जाए, वीडियो आगे चल जाए, इस तरह का कुछ अंतराल होने लगते, तो उसे कहेंगे लैग फेज। अच्छा, उसके कुछ समय पश्चात बच्चा ऐसा देखा गया कि अचानक से बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगी, अचानक से बहुत तेजी से कोशिकाएं ज्यादा बनने लगी, बैक्टीरिया कोशिकाएं ज्यादा बनने लगी। फिर उसके बाद एक समय और आया, स्टेशनरी फेज। इसमें क्या हुआ, इतनी कोशिकाएं बन गई थी कि जो है नई कोशिकाएं अब नहीं बन रही हैं, पुरानी जितनी बन रही है उतनी ही डेथ हो रही है, जितना बन रहा है उतना ही मर रही हैं। स्टेशनरी फेज में कोई नई कोशिकाएं नहीं बन रही क्योंकि स्थान भर चुका है। अब उसके बाद चौथा फेज आएगा, डेथ फेज। इसमें नंबर ऑफ सेल्स मरेंगी ज्यादा, उत्पन्न होंगी कम, इसको बोलेंगे डेथ फेज। यानी कि 1, 2, 3 और 4 फेजों में बटा हुआ है पूरे जीवाणु का लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। समझ में आ रही बात बेटा? इस प्रकार की ग्रोथ को, इस प्रकार की ग्रोथ को डाइऑक्सिक ग्रोथ कहते हैं, डाइऑक्सिक ग्रोथ। समझ गए डाइऑक्सिक ग्रोथ? अब हम लोग पोषण पे चलते हैं। सभी लोग समझ लिए कि, एक बार और बताएं सेजल, एक बार और बताएं, सबको समझ में आ गया? पूनम, लक्ष्मी, कृष्णा, कृष्णा, समझ में आ गया? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। डाइऑक्सिक ग्रोथ कौन सो करता है? डाइऑक्सिक ग्रोथ किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? वेरी गुड, बैक्टीरिया के द्वारा। ये याद रखना, मुख्यतः ये चीजें और ये चीजें याद रखने वाली हैं। क्यों लैग फेज कहा जाता है? क्योंकि जितनी उत्पन्न हो रही है उतनी ही मर रही हैं। लॉगरिथमिक फेज या लैग फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, उत्पन्न हो रही कोशिकाएं ज्यादा हैं जबकि मर रही कोशिकाएं कम होंगी। स्टेशनरी फेज में चूंकि भोजन और जगह दोनों कम हो गए हैं, इसीलिए जो नई कोशिकाएं कम बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। उसके बाद फिर डेथ फेज आती है, ज्यादा कोशिकाएं मरेंगी, उत्पन्न कम होंगी।
आइए अब बात करेंगे जीवाणु में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में पोषण, बच्चों दो प्रकार के बैक्टीरिया दिखाई देते हैं नेचर में, एक वो जो अपना भोजन स्वयं बना लें और दूसरे जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो। तो एक तो ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी होंगे, वेरी गुड, स्वपोषी और परपोषी। इसको कहेंगे ऑटोट्रॉपिक, ऑटो TROPHIC, और परपोषी का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, HETERO TROPHIC, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लिख लीजिएगा, यहां भी बैक्टीरिया होगा, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक क्या। अब ऐसे बैक्टीरिया बच्चों जो अपना भोजन स्वयं बना लें, अपना भोजन स्वयं बना लें, ये कैसे बैक्टीरिया है भैया, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरों से प्राप्त करें, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया कहते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बच्चों अब स्वपोषी जीव है तो ऐसा हो सकता है कि वह प्रकाश की उपस्थिति से अपना भोजन बना लेता हो या फिर वह अपने केमिकल से बना ले, दो प्रकार के हो सकते हैं। स्वपोषी जीव भी दो प्रकार के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, और या तो हो सकता है रसायन संश्लेषी, कीमो ऑटोट्रॉफ रसायन संश्लेषी। फोटोसिंथेटिक, कीमो सिंथेटिक। स्पेलिंग सबको दिख रही है, दूर से क्लियर दिख रही है ना? Yes, sir. छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा, फॉन्ट छोटे तो नहीं है? प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। बच्चों वो बैक्टीरिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लें उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहेंगे। ऐसे बैक्टीरिया के अंतर्गत दो प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरा होता है बैक्टीरियो विरिडीन। लिखते जाते हैं साथ साथ, ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लें,
बना लें। और इसके लिए क्या पाया जाए, इसके लिए उनके में दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन। उनमें दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक का मतलब अंग्रेजी में पिगमेंट। दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये वर्णक? बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन। पहला है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरा है बैक्टीरियो विरिडीन। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन। बच्चों क्लोरोफिल नाम सुना होगा, हरित लवक, यह पाया जाता है पौधों में, लेकिन बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसका नाम होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और दूसरा जो पिगमेंट पाया जाता है वो है बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो विरिडीन। अब जरा नाम लो कमल, क्या लिखे हो कमल? जो ऊपर लिखा गया पिगमेंट नाम लो दोनों के, तो बैक्टीरियो, मेरे साथ साथ बोलिए सभी लोग, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, बैक्टीरियो, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। और दूसरा है बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो विरिडीन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं बेटा। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या मतलब है यह जानो, पौधे जो हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल को ग्रहण करते हैं तथा उससे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। यहां पे बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको नोट नहीं करना है, समझाने के लिए सिर्फ नोट कर रहा हूं। पौधे क्या करते हैं, 6CO2 वातावरण से ले लिए प्लस 12H2O कहां से ले लिए, जमीन से जड़ों द्वारा ले लिए, और उसके बाद क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल तथा सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 बना दिए, ये है कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद 6O2 ठीक है, तो 12 6 18 हो गया। प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी, इसी एनर्जी का वो उपयोग करेंगे, बैलेंस कर लिया जाए, 6 6 हो गया, 6 × 12 तो 6 × 12 6 18 हो गया। इसको ऐसा करते हैं, हाँ तो ठीक है ना, 12 6 18 हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। ये है, ये किसा है, ये है नॉर्मल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, नॉर्मल प्रकाश संश्लेषी रिएक्शन है ये अभिक्रिया, ये पौधे करते हैं, ये पौधे करते हैं। परंतु बैक्टीरिया के केस में वह जमीन, उसकी जड़ें तो है नहीं, बैक्टीरिया की जड़ें तो है नहीं, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जमीन से ना लेकर के वह लोग सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर H2S हो जाएगा, ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फर का इस्तेमाल करे
जब सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन निकलेगी, नहीं निकलेगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। समझ पा रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों कि जो जीवाणु हैं वह पौधों से अलग काम करते हैं। कैसे? क्योंकि पौधे जमीन से जल को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए वह ऑक्सीजन को देते हैं। यहां पर रिएक्शन में दिखाई दे रहा ऑक्सीजन निकल रही है, परंतु बैक्टीरियो के पास तो जड़ नहीं है, फिर वो क्या करेंगे, वह वाटर की जगह या जल की जगह पे कुछ और इस्तेमाल करते हैं। इस आधार पर दो प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यहां लिख दे रहे हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हिंदी लिखा जा चुका है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? बेटा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? अब ये बैक्टीरिया कितने प्रकार के होंगे? ये बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे बच्चों। पहला होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा होगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर, और ये होगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल। बनाते जाइए साथ साथ। बच्चों फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, वो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है बच्चों, वह सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का अपचयन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2S गैस का अपचयन करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट या अपना भोजन बनाते हैं। लिख लेते, पहले रिएक्शन लिखवा दे रहा हूं फिर आपको समझ में आएगा। देखो 6CO2 प्लस 12H2S, 12H2S बैक्टीरियो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बना देंगे C6H12O6, ये बना देंगे C6H12O6 प्लस 12H2O, ठीक है, 6H2O बैलेंस करिए इसे, 6H2O प्लस 12S, दो सल्फर, 12 सल्फर। ये रिएक्शन इसका है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन यहां तक आ गया है, अभी मिटा दूंगा मैं इसको, नोट कर लीजिए आप लोग। हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाए, साथ में वाटर बना और सल्फर जो है मुक्त हो गई, सल्फर जो है मुक्त हो गया। हाँ बेटा, बेटा बहुत कम आवाज आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है, जोर से थोड़ा बोलो। बोलो बोलो बिटिया। ऊपर जो लिखा है बैक्टीरियो क्लोरोफिल वो रसायन संश्लेषी जीवाणु का लिखा है क्या? कौन सा है यहाँ पर? बैक्टीरियो क्लोरोफिल के लिए बात कर रही हो? नहीं बेटा, ये टॉपिक किस पर लिखा है सर, रसायन संश्लेषी जीवाणु का? ठीक है, नहीं समझ पाई? नहीं सर, हम ये पूछ रहे हैं ऊपर वाला
ये है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी के लिए लिखा हुआ है बेटा। ये देखो ना, इसे ऐसे लाइन लगा दिए हैं, इसकी दीवार बना दी है कि ये मटेरियल जो है इसका है, ठीक है। ये मटेरियल किसका है? इसका है। समझ, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? कृष्णा समझ में आया? कृष्णा समझ में आया बेटा? आ गया। अच्छा, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। बच्चों किसी कोई और समस्या? ये नोट कर लो तो फिर मैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बताऊं। हाँ, इसके बारे में और लिख लेना कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड, लिख देता हूं नहीं तो भूल जाओगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल, सल्फाइड का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। ये H2S क्या चीज है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये H2S क्या चीज है? H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। H2S क्या चीज है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा क्या लिखा है? पर्पल, बैगनी सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल। ग्रीन सल्फर मैंने हरे सल्फर, गंधक। इसका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का उदाहरण है क्लोरोबियम, ध्यान यहां लिख दिया है बेटा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का उदाहरण है क्लोरोबियम। ठीक है, मिटा दें। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में लिखवा दें। ठीक है, ठीक है। जब तक आप लोग लिख रहे हो तब तक मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया या बैक्टीरिया में पोषण, बच्चों पोषण दो प्रकार, बैक्टीरिया दो प्रकार के हो सकते हैं पोषण के आधार पर, स्वपोषी और परपोषी, स्वपोषी बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लें, परपोषी जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे हैं, ठीक है, भोजन स्वयं बना लें दूसरों पर डिपेंड रहे। अच्छा, स्वपोषी जीव, स्वपोषी बैक्टीरिया भी दो प्रकार के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लें, तथा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो है जो केमिकल्स को डिजोल्व करके अपना भोजन प्राप्त करें या रसायनों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करें। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में दो प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, बैक्टीरियो विरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडिन दो प्रकार के पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आप लोग लिख रहे हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में।
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपचयित करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, C6H12O6 बना देते हैं। क्या कमल, क्या कह रहे हो बेटा? कमल 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 माइक। हाँ ठीक है, ग्रीन तो कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, वाटर तथा 12S मुक्त हो जाती है, सल्फर मुक्त हो जाती है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बच्चों वो सल्फर के यौगिकों का इस्तेमाल करते हैं, सल्फर के यौगिकों का इस्तेमाल करते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया सल्फर के यौगिकों का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी लिखो बच्चा। हाँ क्या बेटा? यहाँ पे कहाँ पे? अच्छा ग्रीन क्लोरोबियम, क्लोरोबियम CHLORobium, क्लोरोबियम, फिर से लिख दे रहा हूं, क्लोरोबियम। ठीक है, क्लोरोबियम इसका उदाहरण है। तो यहां कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? यहां पे पाया जाएगा बैक्टीरियोविरिडीन। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है बैक्टीरियोविरिडीन। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम है बैक्टीरियोविरिडीन। यहां लिख लेना है, 12S के बाद लिख लेना है यहां पे विरिडीन, विरिडीन दिखाई दे रहा है, बैक्टीरियोविरिडीन। वहां लिखना क्या है आपको? हमारे पास जगह नहीं है इसलिए विरिडीन लिखा है, आपको लिखना है बैक्टीरियोविरिडीन। रिएक्शन जो लिखा है ना, उस रिएक्शन के ऊपर लिखना है यहां पर बैक्टीरियोविरिडीन, ये वाली चीज। सबको सुनाई दे रहा है? हमने कहा है कि ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में जो एरो लगी हुई है उसके ऊपर लिखना बैक्टीरियोविरिडीन। यह दर्शाता है कि हम बैक्टीरियोविरिडीन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट तथा वाटर और 12S यानी 12 सल्फर के मॉलिक्यूल को बनाया जा रहा है। इसका उदाहरण है फोटो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का क्लोरोबियम। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का उदाहरण है क्लोरोबियम। अब अगर आज्ञा हो प्रभु तो आगे चलें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में। चलें आगे? यस सर। यहां से मिटा रहा हूं ताकि इस सल्फर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को लिख सकूं, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, भूल मत जाना कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इतने छोटे बच्चे। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बेटा कंफ्यूज मत होना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अभी तक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया किसका इस्तेमाल कर रहा था? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। अब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया अपना भोजन सल्फर के यौगिकों को अपचयित करके बनाता है। सल्फर के यौगिक कैसे? सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 को अपचयित करेगा। लिखिएगा, इसी में लिख लीजिएगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल का मतलब बैगनी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया अपना भोजन सल्फर के यौगिकों को अपचयित करके
करके प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। किसको अपचयित करता है? सल्फर के यौगिकों को अपचयित करके प्राप्त करता है। इसका रिएक्शन लिख लीजिए, 6CO2 प्लस 15H2O प्लस 15H2O प्लस 3Na2S2O3 प्लस 3Na2S2O3। बेटा ये सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायो सल्फेट। कौन है सोडियम थायोसल्फेट? ये जो Na2S2O3 है इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। क्या बनाएगा? ये बनाएगा C6H12O6 बना देगा, C6H12O6 बना देगा, जो कि क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, 6H2O। वाटर के 6 मॉलिक्यूल निकाल देंगे तथा साथ में NaHSO4 6NaHSO4 बना देगा, 6NaHSO4 बना दिया जाएगा। ठीक है, यह है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। बच्चों कुल मिला के हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं? हम पढ़ना चाह रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम पढ़ना चाह रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया सोडियम के सल्फर के यौगिकों का इस्तेमाल करता है, जबकि सल्फर गैस का सीधे H2S गैस का कौन इस्तेमाल करता है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सबको सुनाई दे रहा है मेरी बात? क्या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया सल्फर के यौगिक का इस्तेमाल करता है, जैसे सोडियम थायोसल्फेट। बोल लो एक बार हमारे साथ, हमारे सामने बोलोगे तो दिक्कत नहीं होगी तुम्हें बाद में। सल्फर सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट बोलो। वेरी गुड। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया सल्फर के यौगिकों का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और ये रिएक्शन नोट कर लेना बच्चा, ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। और यहां पे जो पिगमेंट होगा वो होगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जबकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो विरिडीन था। ध्यान है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो विरिडीन था, और यहां पे क्या होगा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल सही से लिख देना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का उदाहरण था क्लोरोबियम। क्या था? क्लोरोबियम। और इसका है क्रोमेटियम। इसका उदाहरण क्या है? क्रोमेटियम। क्रोमेटियम एक प्रकार का पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। क्रोमेटियम एक प्रकार का पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रही हो? ठीक, आगे लिखें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिखें। बेटा जल्दी करो, एक टॉपिक पे पूरा समय खराब हो जाता है।
खराब नहीं ये कह सकते हैं कि यूज मतलब जल्दी करेंगे तो कोर्स भी तो पूरा करना है। Yes, हो गया बेटा नेक्स्ट चलें। Yes, चलो सभी लोगों ने कर लिया ना बेटा, बिटा दें। हाँ बेटा Na2S2O3 का नाम है ना। ओके सर समझ में आ गया। कृष्णा सोडियम थायोसल्फेट क्यों लिखा गया समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। Na2S2O3 का नाम है। अब हम बात करेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। ऐसे बैक्टीरिया जो कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करके अपने भोजन को तथा ऊर्जा को प्राप्त करें। ठीक है अब बच्चों रसायन संश्लेषी जीव भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसा रसायन कार्बनिक तथा अकार्बनिक, यहां लिखो बैक्टीरिया जो अकार्बनिक अकार्बनिक, ऐसे बैक्टीरिया जो अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा, ऐसे बैक्टीरिया जो अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करें उन्हें हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी जीवाणु। ये अकार्बनिक लिखा हुआ है कृष्णा, ये छोटा सा जो लिखा हुआ है अकार्बनिक है बेटा। हाँ से जल कुछ कह रही थी। तो अभी कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पहला है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, और ये होगा कीमो लिथोट्रॉप्स, कीमो लिथोट्रॉप्स। ऐसे बैक्टीरिया जो केवल कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करें उन्हें कहेंगे कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, और ऐसे बैक्टीरिया जो केवल अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करें उन्हें कहेंगे कीमो लिथोट्रॉप्स। लिख लो हाँ कृष्णा बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर हम कुछ नहीं बोल रहे। तो माइक ऑन था। ऐसे बैक्टीरिया जो केवल कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करें, कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करें
उन्हें क्या कहेंगे? कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। और ऐसे बैक्टीरिया, हाँ, जो केवल अकार्बनिक को ऑक्सीकृत करें। जो केवल अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करें। ऐसे बैक्टीरिया हैं बच्चों ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, जो मीथेन गैस को ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर बना देते हैं। मीथेन गैस को ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर बना देते हैं। नोट कर लो, CH4 को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन ले लिया गया, बना दिया गया CO2 प्लस H2O। ठीक है, यहां दो ले लो, प्लस एनर्जी निकल गई। अब इसी एनर्जी का वो उपयोग अपने फूड बनाने के लिए कर लिए, ENERGY। ठीक है, इस यहां का उदाहरण निकला एसिटोबैक्टर एसिटाई और लैक्टोबैसिलस। एसिटोबैक्टर और लैक्टोबैसिलस, इसके बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर BACTOR और लैक्टोबैसिलस, दही वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। अच्छा बच्चों, लैक्टो के साथ बैसिलस लगा हुआ है, ये कौन सा बैक्टीरिया लग रहा है? बैसिलस का है, तो इसका आकार कैसा होगा? अरे क्या बात कर रही हो बिटिया, गोलाकार कहाँ होगा? कोकस लगेगा तब गोलाकार होगा ना, बैसिलस में तो रॉड शेप होगा या बेलनाकार होगा ना। फिर से सुनो, लैक्टोबैसिलस है, सेजल ही बताएंगी, लैक्टोबैसिलस है बेटा, तो वो बैक्टीरिया का आकार कैसा होगा? रॉड शेप या बेलनाकार। वेरी गुड बेटा, जब भी कोकस लगा हो, माइक्रो कोकस, लैक्टो कोकस, कोई कोकस लगा हो, नाम जैसे ही कोकस आ जाए आप समझो कि वो गोलाकार या अंडाकार है, परंतु यहां पर तो बैसिलस लगा हुआ है। अगर बैसिलस लगा हुआ है तो क्या होगा? वो अंडाकार नहीं होगा, बेलनाकार होगा। वेरी गुड, अब बेटा कीमोलिथोट्रॉप्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया गैस को ऑक्सीकृत कर देते हैं। अमोनिया को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में बदलते हैं। अमोनिया को NH3 लिख दीजिए, NH3 है, जिसको ऑक्सीकृत किया गया, NO2 में बना दिया गया, NO2 बना दिया गया। ठीक है, ये अमोनिया है, ऊपर NH3 क्या है? अमोनिया, और ये क्या है? नाइट्राइट है। बैलेंस कर लेते हैं, और फिर साथ में एक H2 गैस निकल जाएगी, H2 प्लस एनर्जी, यहां पे प्लस लगा के लिख लीजिएगा। यहां पे जो उदाहरण होगा वो होगा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। कीमोलिथोट्रॉप ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं तथा एनर्जी को प्राप्त करते हैं। 2NH3 ले लिया, अमोनिया के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिए गए,
नाइट्राइट, NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं बेटा, नाइट्राइट, साथ में वाटर, साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में एनर्जी मुक्त हो गई। इसी एनर्जी का उपयोग नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को करवा कौन रहा है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास करा रहा है, नाइट्रोसोमोनास। इसको 3 3O2 कर देना तो 6 2 2 ऑक्सीजन, यहां पे 4, यहां पे 6, बैलेंस हो गए। लिख लिया बेटा, मिटाएं? यस सर। अब ये जो नाइट्राइट बना है, इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट करके नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। एक और उदाहरण इसके बाद बता रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं ताकि जगह मिल जाए मुझे। सुनो, इसको रहने दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए एक दूसरा उदाहरण बताने के लिए, ठीक है? यहां पे ये जो नाइट्राइट बना है बच्चों, NO2, इसको हाफ ऑक्सीजन, हाफ मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ NO3 में बदल दिया जाएगा, और एनर्जी मुक्त हो जाएगी, यहां पे जो बैक्टीरिया काम आएगा वो होगा नाइट्रोबैक्टर, अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए नाइट्रोसोमोनास रिस्पॉन्सिबल है। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रोबैक्टर। ये है नाइट्राइट, ये जो NO2 है क्या है? नाइट्राइट। और ये क्या है? NO3 नाइट्रेट, NITRATE। समझ में आ रहा है? कमल, सेजल, कृष्णा, लक्ष्मी, पूनम? यस सर। फिर से सुनो, परीक्षा में पूछेगा कि अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम में लिया जाता है, तो नाइट्रोसोमोनास, तथा नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो नाइट्रोबैक्टर, NO2 को कहते हैं नाइट्राइट, NO3 को कहते हैं नाइट्रेट। हो गया? अब हम बात करेंगे परपोषी बैक्टीरिया के बारे में, मिटा रहे हैं बेटा? ठीक है, ये वाला छोड़ दे, यहां तक तो हो चुका होगा। हेडिंग लिखिए परपोषी बैक्टीरिया या हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता है कि यह बैक्टीरिया अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, या दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, ठीक है? सबको क्लियर है ना यह बात? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब परपोषी बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक का मतलब परपोषी बैक्टीरिया, समझ में आ रही है? अब यह बैक्टीरिया तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो पैरासिटिक, बैक्टीरिया माने परजीवी हो, जीवाणु, या तो ये सैप्रोफिटिक हो, मृतोपजीवी, मरे हुए जीवों पे पाए जाएं, ठीक है? सैप्रोफिटिक हो, मृतोपजीवी, और या सहजीवी हो, सिम्बायोटिक,
लिख लिया बच्चों? देखो बेटा, इसका उदाहरण पूछेगा तुमसे। परजीवी बैक्टीरिया, आप लोग सभी लोग अवेलेबल है ना? है ना यहाँ पे उपस्थित? केवल चल ही रही है क्लास बच्चों? इतनी शांति कैसे हो गई जी? चलो सुनो, पैरासिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दूसरे जीवों पर रहते हैं तथा उनको रोग काज कर देते हैं, उनको रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है? पैरासिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जिस पर निवास करेंगे उस पर रोग, उनको रोग काज करेंगे। ये तो वही बात हो गई जैसे जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया, है ना? कहते हैं ना जिस थाली में खाए उसी। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या है? जिस थाली में खाते हैं, माने अपने को तो लाभ लेते हैं लेकिन दूसरे जीव, उस जीव को या पोषद को या होस्ट को नुकसान करते, होस्ट को नुकसान करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? प्लस माइनस रिलेशनशिप, प्लस माइनस रिलेशनशिप, प्लस माइनस रिलेशनशिप। ऐसी गर्लफ्रेंड जो सिर्फ पैसा ले, ठीक, और लाभ कुछ हो ना, या ऐसा जीव जिससे केवल और केवल नुकसान हो रहा हो, खुद तो फायदा ले रहा है परंतु हमें वह नुकसान कर रहा है। हमारे ऊपर अगर बैक्टीरिया लग जाए और वह बैक्टीरिया हमें रोग उत्पन्न कर दे तो उसको तो फायदा हुआ, प्लस हो गया, लेकिन हमें नुकसान हो रहा है, वह क्या बात है, माइनस का। इसको कहते हैं पैरासिटिज्म को कहते हैं प्लस माइनस रिलेशनशिप, प्लस माइनस रिलेशनशिप, ठीक, प्लस माइनस रिलेशनशिप। लिख लो, ऐसे जीवाणु जो अपने होस्ट को रोग उत्पन्न करें, ऐसे जीवाणु जो जिससे भोजन प्राप्त करते हैं उस पर या उसको रोगग्रस्त कर देते हैं, रोगग्रस्त कर देते हैं, कर देते हैं, उसको कौन सा बैक्टीरिया कहेंगे? पैरासिटिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया कहेंगे? पैरासिटिक। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, उदाहरण नोट कर लो, ई डॉट जी डॉट, स्ट्रेप्टोकोकस, अंडरलाइन कर देना, क्लास्ट्रिडियम, ट्रीडियम, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा लिखो, ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करें या मरे हुए जीवों पे निवास करें उन्हें कहेंगे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो बेटा लाभ, बैक्टीरिया मरे हुए पे रह रहा है तो उसको प्लस हुआ, लाभ हो रहा है, लेकिन क्या मरे हुए जीव को कुछ नुकसान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। ध्यान दो, अगर कोई बैक्टीरिया मृतोपजीवी है यानी मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है तो उसको तो लाभ हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, परंतु क्या मरे हुए जीव को कुछ नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए प्लस जीरो रिलेशनशिप, प्लस जीरो रिलेशनशिप। ये कैसा रिलेशनशिप है? प्लस जीरो रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा कि जीव को तो लाभ, माने जो रह रहा है बैक्टीरिया को तो लाभ हो रहा है परंतु उस जीव को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उस जीव को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसे क्या कहेंगे? प्लस जीरो रिलेशनशिप। ऐसे बैक्टीरिया जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करें, ऐसे जीवाणु जो मृत जीवों पर निवास करें तथा भोजन प्राप्त करें, निवास करें तथा भोजन प्राप्त करें,
निवास करें तथा भोजन प्राप्त करें। उन्हें सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहेंगे, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहेंगे। उन्हें सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहेंगे। इसका उदाहरण है बैसिलस रिमोसस। बैसिलस बेटा, बैसिलस नाम दिया है, कैसा होगा इसका आकार, इसका आकार कैसा होगा? बेलनाकार। रिमोसस, रिमोसस, बैसिलस रिमोसस एक बैक्टीरिया है जो मृतोपजीवी है। फिर दूसरा उदाहरण है इसका बैसिलस माइक्वाइडिस। बैसिलस माइक्वाइडिस, माइक्वाइडिस, बैसिलस माइक्वाइडिस। बोलो बोलो कमल, माइक्वाइडिस। जो लोग अवेलेबल हैं वो लोग बोले माइक्वाइडिस, बैसिलस माइक्वाइडिस, बैसिलस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बैसिलस माइक्वाइडिस, बैसिलस माइक्वाइडिस, बैसिलस माइक्वाइडिस। अब ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो किसी जीवाणु के साथ रहें तो उनको भी लाभ मिले, उनको भी लाभ मिले, और जीवाणु को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मान लो अगर जीवाणु को भी लाभ मिल रहा है, जीवाणु को भी लाभ मिल रहा है, और जिस होस्ट पे वो रह रहे हैं, जिसके ऊपर वो निवास कर रहे हैं, जिस जीव पर, उन्हें भी फायदा हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्लस प्लस रिलेशनशिप, प्लस प्लस रिलेशनशिप, प्लस प्लस रिलेशनशिप। ये समझ पा रहे हो? प्लस माइनस, प्लस जीरो, प्लस प्लस, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, सभी लोग, सभी लोगों का चाहिए मुझे दिखाई दे। लक्ष्मी, कृष्णा और कमल, प्लस प्लस, प्लस माइनस और प्लस जीरो, समझ पा रहे हो क्या बात है? ठीक, वेरी गुड बेटा। अब लिखो ऐसे जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो जिस जीव पर निवास करते हैं निवास करें, उन्हें भी लाभान्वित करें, उन्हें भी लाभान्वित करें। केवल अपने ना लाभ लें, उन्हें भी लाभान्वित करें, उन्हें भी लाभान्वित करें। तो इस प्रकार के जीवाणु को क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक जीवाणु। इस प्रकार के जीवाणु क्या कहेंगे? सहजीवी या सिम्बायोटिक जीवाणु, सिम्बायोटिक जीवाणु या बैक्टीरिया कहेंगे। बेटा इसका उदाहरण है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये कैसा जीवाणु है? यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी, अरहर का पौधा उखाड़ोगे अगर तो उसकी रूट में ना गोल 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 दिखेगा, उसी गोल गोल में एक बैक्टीरिया पाया जाएगा, नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाएगा जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। क्या करता है? वातावरण से नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेके किसको देता है? दे देता है राइजो, किसको देता है? दलहनी पौधों को। और खुद में क्या? भोजन को प्राप्त करता है। खुद क्या करता है? उस पौधे से भोजन को प्राप्त करता है। इसका उदाहरण है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये इसके आगे है बेटा, इसके आगे है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, क्या आप नींद कर आते थे? कहां पर? कहां पर बेटा? सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु नहीं दिख रहा है? अच्छा दिखा देते हैं।